हेलो एंड वेलकम टू द ग्रामर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द ग्रामर एकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसका फॉर्म फिलअप अभी भी ऑनगोइंग है, चल रहा है। ठीक है, तो देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो जॉब है वो है IBPS CRP क्लर्क्स 13th एडिशन का रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट में आपका जो जिस पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है वो आपका क्लर्क पोस्ट के लिए होने वाला है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। चलिए, जो इसमें जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और आपका जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन जो चाहा गया है वो है आपका कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर में जो नॉलेज आपका होना है उसमें आपका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो या कंप्यूटर रिलेटेड कोई एक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होने वाला है वो आपका 2 स्टेप होने वाला है। पहले आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते हैं तो उसके बाद आपका एक मेंस होगा, और इस जॉब के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मेंस के बाद अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। वैकेंसी है टोटल आपका 4045, 4045, और जो एज का क्राइटेरिया है आपका वो 20 से 28 साल तक का होने वाला है। ठीक है, और आपका जो लास्ट डेट है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए वो 21 जुलाई 2023 का है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आपका रहेगा 850 रुपया फॉर जनरल एंड ओबीसी, एंड फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 175 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है। वेबसाइट जो आपको विजिट करना है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए वो है www.ibps.in। इस पोस्ट के रिलेटेड और इस सर्विस के रिलेटेड डिटेल में एक वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, ये हमारे रिक्रूटमेंट 2023 ऐसे करके एक रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी। ठीक है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट हो रहा है। टीचिंग में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूट हो रहा है, और नॉन टीचिंग में आपका जिस जिस पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके लिए आपका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका ग्रेजुएट भी है, HS और MP यानी कि माध्यमिक और सेकेंडरी जो भी आप आपके अपने यहाँ कहते हैं। ठीक है, आपके जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहा गया है यहाँ मांगा गया है वो है आपका कंप्यूटर में एक नॉलेज होना चाहिए, और जिस जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस एग्ज़ाम के प्रोसेस भी आपका 2 स्टेप होने वाला है। ठीक है, 2 स्टेप में आपका पहले तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा ऑनलाइन में। उसके बाद अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आइदर डेमो क्लास लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ जिस जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है वहाँ आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि आपका अगर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक पोस्ट है यहाँ, अगर वहाँ आपका रिक्रूटमेंट होता है तो आपको एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इस पोस्ट के रिलेटेड भी अगर डिटेल्ड वीडियो आप देखना चाहते हैं वो हम ऑलरेडी हमने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को आप डिटेल्स में देख सकते हैं। वैकेंसी रिपोर्टेड हुआ है 4062, 4062। एज का क्राइटेरिया है आपका 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023 अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए PGT जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आपको 1500 रुपये का एक एप्लीकेशन फ़ी भरना है, और नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उन पोस्ट के लिए आपको 1000 रुपये का एक एप्लीकेशन फ़ी भरना है। ठीक है, आपको जो वेबसाइट आपको विजिट करना है अप्लाई करने के लिए वो है
www.emrs.tribal.gov.in। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी वो है ITBP कांस्टेबल कम ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है, इसके लिए आपका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका माध्यमिक और सेकेंडरी एग्जाम पास होना चाहिए और आपके पास एक हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एज सच कुछ मांगा नहीं गया है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो फेज़ वन में आपका फिजिकल एफिशिएंसी एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और फेज़ टू में आपका एक 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है मेडिकल एग्ज़ाम वो आपका होगा अगर आप सिलेक्ट हुए। वैकेंसी इस पोस्ट में आपका 458458 है। एज का क्राइटेरिया आपका 21 से 27 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन उनका जो एज का रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट के सर्विस में वैसे वैसे आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि ओबीसी का तीन ओबीसी नॉन फेमिलियर से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का एक रिलैक्सेशन मिलता है, एससी से जो बिलोंग करते हैं उसको 5 साल का, एसटी से जो बिलोंग करते हैं उसको 10 साल का, ऐसे ऐसे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इस पोस्ट में अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 जुलाई 2023। एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपये का भरना है। ठीक है, और जो एससी एसटी और एक सर्विसमैन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको इस फी ये 100 रुपये भी उनको पे नहीं करना है। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ही ये 100 रुपये का फी भरना है। जिस वेबसाइट के थ्रू आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं उस वेबसाइट है आपका www.recruitment.itbpolice.nic.in। तो चलिए देख लेते हैं अगले जिस पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो है एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू नॉन टेक्निकल कैटेगरी में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का रिक्रूटमेंट हो रहा है। आपका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका माध्यमिक और सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एज सच कुछ मांगा नहीं गया है। एग्जाम का प्रोसेस आपका होने वाला है सीबीटी प्रोसेस, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। वैकेंसी रिपोर्टेड हुआ है 1558, इसमें 1098 वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और 360 वैकेंसी है हवलदार पोस्ट के लिए। एज का आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए आपका एज 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए और हवलदार पोस्ट के लिए 18 से 27 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो जो कैटेगरी में जो जो मिलता है गवर्नमेंट सर्विस में वो उसका सुविधा यहाँ भी है। इस पोस्ट में अप्लाई करने का लास्ट डेट है आपका 21 जुलाई 2023। एप्लीकेशन के फी आपका 100 रुपये का भरना है इस पोस्ट के लिए भी। ठीक है, जो वेबसाइट के थ्रू आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं वो वेबसाइट है www.ssc.nic.in और www.sscer.org। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जिस पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है अभी वो है एम्स रायपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में आपका एक रिक्रूटमेंट चल रहा है। बहुत सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है मगर वो सारे पोस्ट जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए चल रहा है। ये आपका एक जनरल पोस्ट निकला है जिसके जिसमें आपका रिक्रूटमेंट इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो पहला है स्टोर कीपर कम क्लर्क और दूसरा है स्टोर कीपर। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा क्या है इन दोनों पोस्ट के लिए ही, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है स्टोर कीपर कम क्लर्क। इस पोस्ट के लिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और जो स्टोर कीपर पोस्ट है, स्टोर कीपर जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर होता है तो अच्छा होता है, डिजायर्ड
डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब है, ये आपका मैंडेटरी नहीं होता, मगर जिन लोगों के भी ये क्वालिफिकेशन जिन लोगों को है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, एग्जाम का प्रोसेस आपका 2 स्टेप होने वाला है। पहले आपका सीबीटी होगा, जो एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वैकेंसी रिपोर्टेड हुआ है 85, ठीक है, 85 फॉर स्टोर कीपर कम क्लर्क। और स्टोर कीपर के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो पोस्ट है, मेरे ख्याल से 3 और 4, ठीक है, आई थिंक 3 पोस्ट फॉर स्टोर कीपर। ओके, एज का आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इन दिस पोस्ट इज 19 जुलाई 2023। 19 जुलाई तक आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं एम्स रायपुर के वेबसाइट में। जिस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं वो है www.aiimsraipur.edu.in। जो एप्लीकेशन फी आपको भरना है वो है 1,000 रुपया, और SC ST फिजिकल फिजिकली हैंडीकैप फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए सिर्फ 100 रुपये का आपका एप्लीकेशन फी भरना है। ठीक है, तो ये था 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट, जो जुलाई मंथ में जिन जिस जिस रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो आशा रखते हैं आप सभी को इस वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और द ग्रामर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे जैसे ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज के पोस्ट अपडेट निकलते हैं, वैसे वैसे आपको भी वो वैकेंसी आपके पास भी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। सबको नमस्कार, सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा।